तो आप भी चाहते हो लोग आपको पसंद करें आपके स्कूल के अंदर या फिर आपके कॉलेज के अंदर या फिर आपके ऑफिस के अंदर लोग आपको पसंद करें, तो आज का वीडियो देखते रहिए। आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं जिससे लोग आपको पसंद करेंगे। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1, आप जब भी किसी से बात करो तो हंस के बात करो, बिकॉज इस दुनिया के अंदर कैसा हो गया, सबको अपनी बात बतानी है, किसी को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब आप किसी से हंस के बात करते हो तो उसको लगता है कि ये इंसान मेरी बात कंप्लीटली सुनेगा, और उसी वक्त आप उसकी नजरों में एक लेवल और ऊपर चले जाओगे बाकी सारे लोगों से। हंसना कैसे, बहुत नॉर्मल हंसना है, बहुत सारे लोग इस टाइप से हंसते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं हंसना है, बस एक नॉर्मल सी स्माइल जैसे मैंने रखी हुई है ना, बस एक छोटी सी स्माइल रखनी है सो दैट उसको लगे कि आप उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो। टिप नंबर 2, आई कॉन्टेक्ट बना के रखना है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना तो उसकी आंखों में देख के बात करो, ऐसे नहीं कि आप हाँ भाई बोल ना, हाँ भाई बोल, बाकी सब बढ़िया तेरे घर में और कैसे हो सब। आप में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, आप आंखों में देख के बातें नहीं करते, आपका ध्यान और आंखें पता नहीं कहाँ भटक रही होती है, तो सामने वाले की नजरों में आप गिर जाते हो। तो आप जब भी आज के बाद किसी से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, इससे आपकी जो इंप्रेशन है वो काफी अच्छी बनेगी। टिप नंबर 3, अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, ये वाली चीज आपके बहुत काम आने वाली है, ट्रस्ट करो। मैंने भी ये चीज मेरे ऊपर ट्राई की थी, बहुत शानदार रिजल्ट मिले थे। ये वाली चीज अगर आप अप्लाई करोगे ना तो आपकी जो टीचर है या फिर आपका जो बॉस है ना वो पूरे दिन आपका ही नाम लेता घूमता रहेगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी जो टीचर या फिर आपकी जो बॉस की बात है ना उसको बस रिपीट कर देना है थोड़े अलग वे में। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, आपकी टीचर ने बोला है कल से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, तो इसी लाइन को आप कैसे बोल सकते हो, वापस से आपको ये लाइन रिपीट करनी है टीचर के सामने इस तरीके से कि मैम अब से मैं पढ़ाई एकदम अलग लेवल पे स्टार्ट कर दूंगा, एकदम हार्ड वर्क स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। इससे पता है क्या होता है, इससे टीचर को लगता है कि साला पूरी क्लास में किसी ने बोला नहीं, ये अकेला आके मेरे पास ऐसे बात कर रहा है, तो आपकी जो मैम है उसको लगेगा कि पूरी क्लास के अंदर यही एक वो बच्चा है जिसको मेरी बात दिल तक समझ में आई है और ये अब हार्ड वर्किंग स्टार्ट करने वाले है। इसके बाद क्या होगा, जब भी क्लास में कुछ भी न्यू चीजें होने वाली होगी मैम सबसे पहले आपको पकड़ेगी, मतलब मैडम होगी ना आपकी, उसके मुंह पे बस आप ही का नाम घूम रहा होगा। लेकिन ये चीज थोड़ी गलत भी हो सकती है, इसीलिए संभल के बात करना। गलत कैसे हो सकती है, चलो इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। गलत ऐसे हो सकती है, आपकी टीचर ने आपको बोला कल से एग्जाम है और आप ऐसे बोलो एग्जाम है कल से है सच्ची एग्जाम, ऐसे नहीं करना है वरना वो टीचर आपको एक नंबर का पागल बेवकूफ और पता नहीं क्या समझेगी। टिप नंबर 4, उसके इमोशन के साथ जुड़ जाओ। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हंस के बात करो, लेकिन हमेशा हंसने वाली बात नहीं होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब कोई अपनी सैड स्टोरी भी बता रहा होता है ना तब भी वो अपने मुंह पे एक स्माइल रख के खड़ा होता है ऐसे। मेरे भाई वो अपनी दर्द भरी कहानी बता रहा है, उसके दर्द में जुड़ो। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, जो भी उसका पेन है या फिर उसकी खुशियां है या फिर जो भी है आपको उसके अंदर, मतलब समझो मैं अगर खुश हूं तो आप मेरे पास आके स्माइल करो, अगर मैं दुखी हूं तो आपको आके वहां पे अपना ना वो पेन दिखाना है कि आप भी अंदर से दुखी हो। और सिर्फ उसकी फीलिंग से कनेक्ट होने पे बात खत्म नहीं होगी, बात यहां से शुरू होगी। अगर वो सैड है सामने वाला इंसान को उसको पॉजिटिव करो, अगर वो हैप्पी है ना तो उसको ये समझाओ कि हैप्पी है यही तेरी लाइफ है। इसका मतलब क्या हुआ, आप उससे कनेक्ट हुआ और आप उसको पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हो। अगर आप किसी इंसान को पॉजिटिव फीलिंग दे देते हो ना मेरे भाई, तो उसकी नजरों में आप हमेशा ऊपर जाओगे ही जाओगे, और ये वाली चीज भी आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देगी। टिप नंबर 5, ये हमारी लास्ट टिप है आज की, लेकिन कम नहीं है। देखो बहुत इजी है और थोड़ी समझने की कोशिश करना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब करना हमको वही है जो हम चाहते, वो सबसे अच्छी चीज है, हमें वही करना चाहिए जो हम चाहते, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ गलत हो भी जाता है ना उस काम में तो हम खुद को बैठ के कोस सकते कि मेरी गलती थी, मैंने ये काम किया और ये हुआ। अगर कोई और आपको बताएगा कि ये काम कर और वो गलत होगा तो आप कोसने भी किसको जाओगे, ठीक है, तो आपके दिल की तो आपको करनी ही है, लेकिन मेरे भाई सुननी भी तो है सबकी। बहुत सारे लोग ये नहीं करते, किसी की बात सुनते नहीं है, बस अपनी धुन में रहते, ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। एटलीस्ट बात तो सुन लो सामने वाले की, वो कहना क्या चाहते, शायद आपके भलाई के लिए कुछ कहना चाहता हो। उनको सामने वाले की पूरी बात सुननी है, अप्लाई करो नहीं करो वो आपके ऊपर है, लेकिन उसकी पूरी बात ध्यान से सुननी है। इससे भी आप उसकी नजरों में बढ़ जाते, उसको लगता है कि मेरी बात ये इतनी ध्यान से सुन रहा है।
तो ये सारी कम्युनिकेशन स्किल है और ये आपके बहुत काम आने वाले हो, और मुझे पता है ये आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं अप्लाई करने ही वाले हो। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, एंड आपको इस टाइप की और वीडियोस चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे तो प्लीज नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके बता देना, ऐसी और वीडियोस आती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।